ट्रेन आम से लेकर खास तक सबकी सवारी, लेकिन बीते वक्त में जैसी स्थिति ट्रेनों में बनी है, उससे सवाल खड़े होने लगे थे कि आम आदमी की सवारी अब उसकी जेब पर न केवल भारी पड़ रही है, बल्कि उसके लिए सफर आसान के बजाय और मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी तरफ रेलवे पर यह भी आरोप कि उसने एसी कोच की संख्या तो बढ़ाई, लेकिन स्लीपर और जनरल कोच घटा दिए गए। लेकिन अब आपको ये जानकर सुकून मिल सकता है कि ट्रेनों में उमड़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे अब साधारण यानी कि जनरल कोच की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। और अच्छी बात तो यह है कि इनकी संख्या दोगुनी कर दी जाएगी, यानी कि जिन ट्रेनों में अभी जनरल कोच की संख्या सिर्फ दो हैं, उन्हें डबल किया जाएगा। इसके अलावा हर मेल एक्सप्रेस ट्रेन में भी चार साधारण कोच लगाए जाने हैं। बात पश्चिम मध्य रेलवे की करें तो यहां लगभग 100 ट्रेनों को भी इसका फायदा होगा और इसमें चार चार जनरल कोच लगाए जाएंगे। बता दें कि भोपाल मंडल से इस वक्त 200 से ज्यादा मेल एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती हैं, इन ट्रेनों में भी चार साधारण कोच लगेंगे। ऐसे में जोन की इस पहल से हर दिन लगभग 14,000 से ज्यादा यात्रियों को फायदा होने वाला है। अब आपको सवाल होगा कि आखिर कब से ये होने वाला है बदलाव, तो आपको ये बता दें कि ये बदलाव बहुत जल्द यानी कि अगस्त तक देखने को मिल जाएगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडल भोपाल, कोटा और जबलपुर की जो एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें चल रही हैं, उन सभी ट्रेनों से दो एसी के डिब्बे निकाले जाएंगे और उनकी जगह स्लीपर या सामान्य कोच लगा दिए जाएंगे, जिससे कम खर्च में यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच पाएं। यदि ट्रेनों में पहले से ही सामान्य कोच की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा परिवर्तन देखने को हालांकि नहीं मिलने वाला। अगस्त 2024 तक भोपाल समेत तीनों मंडलों में बदलाव देखने को मिल जाएगा, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू भी कर दी गई हैं। मध्यम वर्गीय परिवार को भी इससे राहत मिल पाएगी। जी हां, भोपाल और उज्जैन के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई जिसमें सभी सात सामान्य कोच लगाए गए। वहीं अधिकारियों का यह भी कहना है कि वंदे भारत, वंदे स्लीपर और शताब्दी जैसी ट्रेनों से जहां रेलवे की इनकम में इजाफा हो रहा है, तो यात्रियों की सुविधा भी बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ ट्रेनों में स्लीपर और सामान्य कोच बढ़ाने से मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, रेलवे बोर्ड के आदेश को भोपाल मंडल समेत अन्य मंडलों में भी लागू किया जाएगा। यात्रियों को सुविधा देने के लिए जल्द ही ट्रेनों में स्लीपर और सामान्य कोच बढ़ाए जाएंगे और इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू भी कर दी गई हैं। दरअसल ट्रेनों में उबड़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लंबी दूरी की चलने वाली मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में साधारण कोच की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। और ये कह सकते हैं कि खबर सचमुच सुखद है, क्योंकि अगर लंबी दूरी की गाड़ियों में सामान्य कोच की संख्या बढ़ाई जाती है तो ये यात्रियों के लिए राहत की सांस देने वाला काम होने वाला है। अब तक ट्रेनों में बहुत सीमित जनरल कोच होते थे, जिसकी वजह से यात्रियों की संख्या को देखते हुए एक अना और 100 बीमार वाली स्थिति बनी रहती थी। ये भी हम कह सकते हैं कि यात्रा करने वाला आम यात्री ही ये जानता है कि कैसे भेड़ बकरी की तरह उसे मजबूरन यात्रा के लिए मजबूर होना पड़ता था। नतीजा ये भी कि कई लोग यात्रा नहीं कर पाते थे, तो कई भीड़ में चढ़ने के चक्कर में हादसों तक के शिकार हो जाते थे। वैसे भी देश में ज्यादा संख्या इसी श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की है, और उनके लिए रेलवे जैसा सस्ता, सुगम और सुविधाजनक साधन दूसरा कोई और है नहीं। लेकिन रेलवे प्रशासन ने अब जाकर आम यात्रियों की सुध लेने का काम किया है। लेकिन ऐसा किया क्यों गया, इसके बारे में भी ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में लगे सियासी झटके के बाद सरकार को आम यात्रियों की याद आई है और इसी कारण से ट्रेनों में सामान्य कोच की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। असल में मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में अब सामान्यतः दो से चार जनरल कोच होते हैं। दो सामान्य कोच वाली ट्रेनों में इनकी संख्या बढ़ाकर अब चार की जा सकती है, जबकि बिना सामान्य कोच वाली ट्रेनों में ऐसे दो डिब्बे भी लगाए जा सकते हैं। यानी कि इसके बाद उस तरह यात्रियों को असुविधा नहीं होगी जितनी कि पहले हुआ करती थी, खचाखच डिब्बे के भरे होने की वजह से। दरअसल आज के समय की यही सच्चाई है कि गरीबों और निम्न वर्गीय परिवार जो हैं, इनके लिए रेल यात्रा करना काफ़ी कठिन है, और ऐसे में उन्हें यात्रा करनी पड़ती है तो वे सामान्य कोच से यात्रा करते हैं, क्योंकि इसमें टिकट के दाम कम होते हैं। लेकिन सामान्य कोच वाले यात्रियों को अपना सफ़र कई मुश्किलों से दो चार होकर पूरा करना पड़ता है। एक तो ट्रेन में इस कोच की संख्या बहुत कम होती है, और फिर इसमें सुविधाएँ स्लीपर या एसी कोच जैसी नहीं नज़र आती।
इसी वजह से इन कोच में टॉयलेट तक में यात्री भरे हुए नजर आते हैं। अब इस समस्या को दूर करने की एक कोशिश के तहत सामान्य कोच बढ़ाने का फैसला सरकार ने किया है। दरअसल सामान्य कोच पर ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब इमरजेंसी की स्थिति आती है तो यात्री कोई भी हो उसे सामान्य कोच से ही यात्रा के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि 4 महीने पहले से रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण दूसरे कोचेस के लिए शुरू हो जाता है और सीट कंफर्म होने की गुंजाइश भी ना के बराबर रहती है। लिहाजा ये फैसला वाकई आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत बनकर आया है ये कह सकते हैं। हालांकि जनरल कोच में बतौर यात्री अच्छी यात्रा कर लेना आज भी लोगों के लिए एक बड़ा और कठिन सपना ही कहा जा सकता है, जो ये बताता है कि अभी और काम करने की बहुत गुंजाइश है।